मैं कोई पिछले 1 साल से उनको जानता हूँ। हाँ, तो हमारी काफ़ी अच्छी बातचीत थी। तो लास्ट टाइम जब वो मिसिंग हुई थी तो लास्ट टाइम भी मेरी बात हुई थी कोई 8:30 बजे। तो उसके बाद जब वो बाहर थी मैंने उसको पूछा था बाहर क्यों, उन्होंने बताया कि सर ने कहा कोई ज़रूरी काम है तो बाहर चलते हैं, थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। तो तब मेरे को थोड़ा ऐसे लग भी रहा था क्योंकि शाम को जब एक बार बात हो रही तब वो रो रही थी, तो मेरे को लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, थोड़ी देर फ़ोन चलने थे अपना, तो थोड़ी देर फ़ोन चल रहा था। तो उसके बाद उसने बोला कि शाम को जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी उसने बोला था कि मैं ना रूम पे पहुंच के तुम्हें बता दूंगी। मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद पुलकित आर्य का मेरे को खुद फ़ोन आता है कोई 40 मिनट के करीब, 40 मिनट के बाद मुझे फ़ोन आता है कोई 9:37-38 के करीब। तो उसने मेरे को बोला कि आप ना कहीं और जॉब ढूंढो इनके लिए अब, कि पहले तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया 1 हफ्ते तक। उसके बाद मैंने देखने लग गया कि ये मतलब इधर उधर बैठ जाती है, फ़ोन पे बड़ा बिजी होने लग जाती है, आप कहीं और जॉब ढूंढो। मैंने बोला ठीक है कहीं और जॉब ढूंढ लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने अंकिता का फ़ोन ट्राई किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने बहुत बार ट्राई किया उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, फिर मैंने पुलकित आर्य का फिर से ट्राई किया। मैंने बोला चलो इसको कॉन्टैक्ट करता हूँ, ये तो आ गया। तो मैंने फिर से ट्राई किया, उसका फ़ोन बजा तो उसने उठाया नहीं, फिर से किया उठाया नहीं, उसके बाद उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। तो फिर मैंने भी सोच लिया चलो आ गए होंगे, उसने तो जब बोल दिया था कि हम आ गए वापस, तो मैंने भी चलो ध्यान नहीं दिया। वो सुबह जैसे मैं 8:30 बजे उठा तो फिर से मैंने देखा उसका फ़ोन अभी भी बंद है। तब मैंने थोड़ा इंक्वायर करना शुरू किया, आगे पीछे से पूछा, मैंने तीनों के साथ बात की। मैंने पुलकित आर्य को भी फ़ोन किया, मैंने भास्कर को भी फ़ोन किया, सौरभ भास्कर को भी, और मैंने अंकित को भी कॉल की। मैंने तीनों को कॉल की तो तीनों ने वही अपनी स्टेटमेंट दी कि हाँ हम वापस आ गए थे, खाना उसने खाया था, ये सारी स्टेटमेंट बनने लग गई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अगर ये कह रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट तो था क्योंकि वो स्टाफ के बंदे थे, तो मैंने भी सोचा चलो हो सकता है कि चलो बाहर कहीं टहलने चली गई हो। तो मैंने वेट किया 12-1 बजे तक, जब मुझे लगा कि हाँ मतलब अब कोई दिक्कत हो सकती है, तो मैंने उनकी फ़ैमिली को इन्फॉर्म कर दिया। तो बाकी वो उसके बाद उनकी फ़ैमिली आई थी, तो बाकी जब मैं वहाँ गया तो उसके बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली में उस दिन हुआ क्या था। मतलब मेरे को तो बस यही पता था कि हाँ मतलब मिसिंग है और कोई सिचुएशन हो सकती है, तो मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स कर ली थी और बाकी कुछ चैट्स थी वो सामने आई। तो उसके बाद मतलब पुलिस ने सारा आगे केस सॉल्व किया। कब से दोस्त, कैसे दोस्ती थी आपकी? मेरी 1 साल पहले दोस्ती हुई थी इंस्टाग्राम के थ्रू, तो रेगुलर टच में थे इसलिए मुझे थोड़ी चीज़ें पता थी, और लास्ट में इसलिए मैंने इंक्वायर करने की कोशिश की क्योंकि रेगुलर बात होती थी, इसलिए मैंने इंक्वायर किया। फिर अब आप क्या चाहते हैं, पुलिस उत्तराखंड की पुलिस क्या चाहते हैं? देखो पुलिस तो काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, जब पुलिस के पास केस पहुँचा तो पुलिस ने बहुत अच्छा और बहुत जल्दी एक्शन लिया। तो पुलिस ने जो भी काम किया अभी तक बहुत अच्छा किया।